व्यूज क्या आ रहे हैं जी? ठीक हैं जी, ये मेरी तैयारियाँ हो रही हैं जी। आज ईद का दूसरा रोज़ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म से टूर पे जा रहा हूँ जी। ये मेरे बिस्तरे हैं जी, ये बैग है, ये चटाई और ये कैंप है। कैंपिंग जो है वो मैंने ख़ुद करनी है जी, तो बस तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ी देर तक जो है ना वो मैंने अभी निकल जाना है, फिर आगे से दोस्त मिलेंगे तो इनके इंशाल्लाह तकरीबन हफ्ते डेढ़ का विज़िट है जी। ये सामान अभी मैंने पैक कर दिया है जी, इसमें अपना सारा पैकिंग हो गई है। दूसरे दोस्त भी आगे खड़े होंगे, बस अभी निकलने लगे हैं जी। ये सिलेंडर है, ये कुछ सामान आगे लगाया और इसमें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है जी? मैं अभी घर से निकले लगा हूँ, ये पीछे सामान जो है ना सारा मैंने बेहतरीन रस्सियों के साथ बांध दिया है जी। तो ये दोनों बच्चे हैं मीर बादशाह वेद, इन्होंने कहा मैं नानों के घर उतार देना। और ये अली अब्दुल वहाब नाम है इसका जी, ये छोटा भतीजा है। तो अभी हम घर से निकलने लगे हैं, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक खैरियत से हमारा ये सफ़र करे। इंशाल्लाह 7-8 दिन का टूर है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो आपको साथ साथ में जो है ना मैं विज़िट कराता रहूँगा, आपके रास्ते में रहूँगा इंशाल्लाह। दुआ करना कोई अभी भाई जो चैनल देख रहा है जी, तो BMZ व्लॉग के नाम पे है जी, मुबशर नसीर मेरा नाम है। तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना जी, और घंटी वाला बटन जो है दबा देना, क्योंकि 8 दिन का मेरा टूर है। तो काफ़ी जो है ना पॉइंट मैंने करने हैं, तो आपको उन पॉइंट से मैं आगाह भी करता रहूँगा। बड़े प्यारे पॉइंट हैं जी, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह जी। मैं अभी निकलने लगा हूँ यहाँ से, तो फिर रास्ते में आपको अपडेट देता हूँ। ये बच्चों को नानों के घर छोड़ के, ये है मेरा दोस्त है जी यहाँ पर, हमारे भी दोस्त भी नहीं भाई है, भाइयों का ऐसा प्यार है हमारे बीच भाई। अल्लाह पाक हमें सदर बस से बचाए। आप जिधर भी जाते हैं, स्पेशल कहीं भी तो घूमने जाते हैं, तो सकते हैं जी अल्लाह इसको भी फैमिली से बहुत मुश्किल इजाज़त मिली है। इसके वाले साहब नाराज़ हो गए कि नहीं जाने देने जी, क्योंकि रश बड़ा होता है इसके दूसरे दिन। लेकिन इसने हिम्मत की है जी कि मैंने जाना है जाना है, तो आखिरकार कामयाब हो ही गए। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी, अभी हम चकवाल पहुँच गए हैं जी। चकवाल से अभी निकल रहे हैं, यकीन मान लें कि मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मज़ा आ रहा है आज, तो राइड करनी है हमने भी। तो ये चकवाल शहर से अभी निकल रहे हैं, बाजार तो अभी बंद है क्योंकि आपको पता है ईद का दूसरा रोज़ है, तो बाजार तो अभी बंद ही है। यहाँ से दूसरा दोस्त आया है, एक तो दोस्त जो है वो रह गए, उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना। मैंने कहा चलो जी नहीं आना, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, जिसने आना है वेलकम, जिसने नहीं आना तो तभी कोई मसला नहीं है। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं जी, बिल्कुल ये चकवाल शहर से निकल रहे हैं। अभी हम सिर्फ एक बाइक पे दो हैं, एक मेरा दोस्त है आमर, इसका भी चैनल है BMZ_001, ये इसका कोड है, इसका भी चैनल है जी। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, रास्ते में आपको मजीद मालूम मैं देते जाऊँगा जी। जी अभी यहाँ से टैंकी फुल करा रहे हैं जी, ये चकवाल से तकरीबन 10-15 किलोमीटर आ गए, करते हैं कितना होता है, कितने का है? 50। यहाँ से हमारा जो पेट्रोल है वो 2450 रुपये का आ गया जी, टैंकी फुल हो गया बिल्कुल, समझ लो कि खाली थी बिल्कुल। लैंड मौके पे हम पहुँचे हैं पंप पे जी, तो 2450 की जो है वो टैंकी फुल हुई हमारी। तो बस इंशाल्लाह अभी यहाँ से निकलने लगे हैं, ये तकरीबन चकवाल से 10-12 किलोमीटर की मुसाफत पे है जी, PSO पंप है, वहाँ से हमने टैंकी फुल करवाई है जी। अभी हम पंप से
रात को आज जो है ना स्टे वो हमारा अहमदाबाद या मथेरा को। अभी तो हम चकवाल से निकले हैं तो अभी 440 है, देखते हैं जहाँ पे पहुँच गए। लेकिन अपनी कोशिश है कि हम जो है ना अहमदाबाद स्टे कर लें तो या मथेरा स्टे कर लें। ये तो आप सफ़र के हिसाब से है ना कि कहाँ तक चलते हैं। तो नेक्स्ट आगे वाला सफ़र है वो हमारा सुबह आसानी से हो जाए, थकावट के बावजूद हम मंजिल पर पहुँच जाए। टूर पे जा रहे हैं जी, इनका स्टे है नरान तक, इनके पास भी 1-5 मोटरसाइकिल है जी। ये सामने खड़ा हुआ है जी, ये भी हमारे साथ ही वहाँ से मिल गए कि चलो मिल के जाते हैं। बस अहमदाबाद हम पहुँचने वाले हैं, तकरीबन 25 मिनट की तकरीबन 25 किलोमीटर सफ़र है। इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ तो फिर सुबह जा के आगे सफ़र करेंगे जी।